दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर हैं मिस्टर बीस्ट। मिस्टर बीस्ट के चैनल पर 275 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब 275 मिलियन सब्सक्राइबर्स। और उनके बारे में एक बहुत ही फेमस फैक्ट है कि उनके चैनल पर हर घंटे या फिर हर मिनट में, आई थिंक मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, 4000 या 5000 सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं। ये बहुत ही ह्यूज नंबर है। सो नंबरों पर नहीं जाते हैं, मेन मुद्दे पर आते हैं। आज मैं मिस्टर बीस्ट के पॉडकास्ट का एक क्लिप देख रहा था जो रोगन के साथ। उस पॉडकास्ट में मुझे मेरी लाइफ का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेसन सीखने को मिला। और वो लेसन अगर कोई भी बंदा अपनी लाइफ के किसी भी फील्ड में अप्लाई करे, वो जिस फील्ड में काम करता है अगर उसमें अप्लाई करे, तो उस फील्ड का मास्टर बन जाएगा, उस फील्ड का सबसे स्मार्टेस्ट पर्सन बन जाएगा, उस फील्ड का सबसे ग्रेट आदमी बन जाएगा। ये चीज़ मैं भी अपने अंदर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो लेसन है, वो ग्रेटेस्ट लेसन है कि इनपुट इज़ इक्वल टू आउटपुट। मतलब कि आप जिस फील्ड में जितना इनपुट डालोगे आपका आउटपुट उतना ही निकलेगा। इसको सिंपलीफाई करते हैं। इनपुट मीन्स बेसिकली जिस फील्ड में आप जितनी मेहनत करोगे, जितना वक्त दोगे, जितना एफर्ट लगाओगे, जितना हार्डवर्क करोगे, आपका रिजल्ट उतना ही बेहतर होगा, उतना ही ग्रेट होगा, उतना ही बेहतरीन होगा। सो मिस्टर बीस्ट का यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि मिस्टर बीस्ट ने यूट्यूब पे और लोगों से ज़्यादा वक्त दिया होगा, और लोगों से ज़्यादा एफर्ट डाला होगा, और लोगों से ज़्यादा मेहनत किया होगा। क्योंकि इनपुट इज़ इक्वल टू आउटपुट, इस इक्वेशन से यही बात निकलती है कि जो जिस फील्ड में जितना महान है, इसका मतलब है कि वो उस फील्ड में उतना एफर्ट डाला होगा, उसने उतनी मेहनत की होगी, उतना हार्डवर्क किया होगा। उस पॉडकास्ट में मिस्टर बीस्ट बताते हैं कि वो अपने कुछ दोस्तों के साथ हर दिन 3-3 घंटे, 4-4 घंटे यूट्यूब के थंबनेल्स पे, यूट्यूब के वीडियोज़ पे डिस्कस किया करते थे कि कौन सी वीडियोज़ ज़्यादा चलती हैं, कौन सी नहीं चलती हैं, कौन से थंबनेल्स पे ज़्यादा क्लिक थ्रू रूट है, रेट है, कौन से थंबनेल्स पे नहीं है। और वो बोलते हैं कि मैं यूट्यूब से ऑब्सेस्ड हो गया था। उनके घर वाले, उनकी मदर, उनकी माँ परेशान हो गए थी कि आखिर ये क्या करता रहता है दिन भर, लेकिन वो इस काम से ऑब्सेस्ड हो गया था। और उसने इस काम में सबसे ज़्यादा वक्त दिया, सबसे ज़्यादा एफर्ट डाला, इसकी वजह से आज वो दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है। सो इससे ये सीखने को मिलता है कि इनपुट किसी भी फील्ड में आप जितना डालेंगे आपका आउटपुट उतना ही निकलेगा। सो हमें रिजल्ट यानी आउटपुट की चिंता नहीं करनी है, हमें टेंशन लेना है इनपुट का। इनपुट अच्छा होगा, आउटपुट अपने आप अच्छा हो जाएगा। सो ये रहा मेरी लाइफ का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लाइफ लेसन। कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक ज़रूर बताएं ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं। दिस इज़ फरहान शमीमी। थैंक यू सो मच।